अमूमन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है ना, वो आपको काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सी बातें आपको बतानी है। स्पेशली हमारा पाकिस्तान जाने का क्या प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने पाकिस्तान कब आना है। तो मैंने सोचा जो भी हमारा प्लान बना है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अभी मैं वो सारे गिफ्ट्स बैग में रख रही हूँ जो मैंने पाकिस्तान में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लिए थे, अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। अली, पाकिस्तान जाना आपने? यस। क्या करोगे वहाँ जाके? प्ले। किससे प्ले करोगे? अल्लाह ताला इज एवरीवेयर, ओके? Why? Allah Ta'ala is not in Pakistan, Ali. Allah Ta'ala is everywhere. Okay? I want to see what Allah Ta'ala looks like. I'll have so much fun there. What else? Aur kya karoge? Play all alone. Akele khiloge? I will play all alone. Because people disturb. Because people mess up the things. नहीं, कोई मैस अप करेगा ली? कोई नहीं मैस अप करेगा, ओके? आपको पता है कहाँ है पाकिस्तान? Oh, it's next to our old home. और नहीं, वहां नहीं है। But it's so far. You will go by plane. Okay? But I'm scared to sit down. No, it's not gonna be scary, okay? I'll be with you. I'll take care of you, okay? Okay, but I don't want to see on the windows. बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान जाने के लिए, और अली जो है वो इससे पहले कभी गया नहीं है पाकिस्तान, तो ये उसका फ़र्स्ट टाइम होगा। तो हम सभी बहुत एक्साइटेड है। मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या करूंगी मैं वहाँ जाके। और यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मैंने पहले से ले कर रखी थी। ये सभी गिफ्ट पैक्स हैं जो कि बहुत प्यारी पैकिंग में भी होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने ना एक दो बार लेके चेक किए थे उनकी क्वालिटी देखने के लिए, तो मुझे बहुत पसंद आए थे। इसलिए जब जहाँ जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं लेके रख लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब आपने कहीं जाना हो ना और बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने हो, तो उस टाइम पर आपको समझ नहीं आता और अच्छी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। तो टाइम से पहले अगर आप थोड़ी प्रिपरेशंस कर लें तो ईजी रहता है फिर। वैसे भी हमने जब जाना है ना तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेने होंगे क्योंकि हम इतने सालों के बाद जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जिस से भी मिलूंगी ना जाके, मैं उन सब के लिए गिफ्ट्स लेके जाऊं। हम लोग जब इस घर में मूव हुए थे ना, तो ये सभी चीज़ें मैंने इधर उधर रख दी थी, जहाँ जैसे जगह बन रही थी। मैंने कुछ क्लॉजेट में रख ली थी, कुछ मैंने बेड के नीचे रख दी थी। तो अभी मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा करके एक जगह पर रख देती हूँ, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कितनी चीज़ें मेरे पास हैं और कितनी मैंने और चीज़ें लेनी हैं। मैंने वैसे कुछ गिफ्ट पैक्स ना अभी ऑर्डर भी किए हैं, तो जैसे ही वो डिलीवर होंगे ना फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और इनमें से कुछ गिफ्ट्स मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी दूंगी इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान आऊँगी। तो यहाँ से ना बस चीज़ें पाकिस्तान भेजने का मसला होता है, वरना इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। आजकल तो वैसे भी हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो बहुत अच्छी पैकिंग में गिफ्ट पैक्स आते हैं और अच्छी डील्स भी लगती हैं, तो इन्हीं दिनों में ही मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। खैर, यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है ना इस बैग में फ़िट हो गई थी, बस एक वाइट बैग जो है ना वो इसमें फ़िट नहीं हो रहा था। तो उस पर तो अली का दिल आ गया, बोल रहा था कि मुझे दे दो, मैं इसके अंदर अपनी चीज़ें रखूँगा और पाकिस्तान लेके जाऊँगा। तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने उसको समझाया कि ये किसी का गिफ्ट है, तो किसी का गिफ्ट जो है ना वो नहीं लेते। ये लगेज बैग तो मैं बेड के नीचे रख दूंगी, और ये जो वाइट वाला बैग है ना ये भी मैं क्लॉजेट में रखूंगी, और बाकी सामान जब डिलीवर हो जाएगा ना तो उन सब चीज़ों के साथ मैं एक बड़े से बैग में डाल के रख दूंगी। 45 minutes. ओके, इधर देखो मेरी तरफ, 4 मिनट्स के बाद आपने देना है, ओके? मुझे कुछ टाइम पहले ना कुछ मदर्स की ईमेल्स आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके बच्चे बहुत कम स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और स्टिल जब भी हम उनसे लेते हैं टैबलेट वगैरह तो वो बहुत स्क्रीन करते हैं और आराम से देते नहीं हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स वगैरह शेयर करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ।
हम लोग जब भी कोई नई चीज़ बाय करते हैं ना, तो वो चीज़ लेने से पहले हम कुछ रूल्स बनाते हैं उसके लिए। जैसे हमने एक्सबॉक्स लिया था तो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हाफ एन आवर मिलेगा हर बच्चे को, और उसके बाद पूरे दिन में वो दोबारा से नहीं कहेंगे खेलने के लिए। तो ये बात पहले से बच्चों को समझा देना तो वो उसको ईजीली मान लेते हैं और फिर आपको आर्ग्यू नहीं करते। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले हमने आईपैड लिया था, तो वो लेने से पहले ही मैंने बच्चों को रूल्स बता दिए थे कि एक तो आईपैड जो है ना वो लर्निंग के लिए यूज़ होगा, और दूसरा 30 मिनट्स जो है ना वो मैक्सिमम होंगे, उससे ज़्यादा कोई बच्चा यूज़ नहीं कर सकेगा। और वो भी अगर उनका बिहेवियर ठीक रहेगा तो 30 मिनट्स मिलेंगे मैक्सिमम, अगर बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो फिर आपके मिनट्स जो हैं वो कट होंगे। इसके अलावा YouTube पे कुछ भी नहीं देख सकते iPad पे, बल्कि हमारे iPad में YouTube हमने रखा ही नहीं है। तो YouTube पे अगर कोई लर्निंग वीडियो भी देखनी है तो उसके लिए TV है, उस पर देखें, और Xbox पे गेम खेलें, और iPad पे जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ करें, और फ़ोन तो आपको पता है कि मेरे बच्चों के पास है ही नहीं। तो बस ये कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं। उसके अलावा डिटेल जो है ना वो मैं इंशाल्लाह बच्चों के किसी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो में कुछ और चल रहा हो, बातें में कोई और कर रही हो, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, मैं एलोवेरा कट कर रही थी, ये मैंने 2 दिन पहले लेके रखा था, तो बस अब मैंने सोचा कि इसके क्यूब्स करके तो इसको मैं फ्रीज कर दूँ। आपको मैंने दिखाया वह सब कुछ डिटेल में। स्किन केयर के लिए ये बेस्ट है और हर घर में होना चाहिए अगर आपको सूट करता है। अगर आपको एलर्जी है तो फिर आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अदरवाइज़ ये लाजमी होना चाहिए आपके घर में। और जब ये आइस क्यूब्स बन जाती हैं तो फिर मैं इसको फेस पे आइसिंग भी कर लेती हूँ, और एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज संडे था, तो संडे को हम कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग के लिए ज़रूर जाते हैं। और आज तो हमने एक स्पेशल जगह पे जाना था, एक्चुअली बहुत सालों से हम इस जगह पे जाना चाह रहे थे, लेकिन हर बार हर साल ऐसा कुछ होता था कि हम नहीं जा सकते थे। तो अभी मैं आपको वो स्पेशल जगह भी दिखाऊँगी और साथ साथ आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान का क्या प्लान है। घर में मैं चाहे जैसे भी कपड़े पहनूं, लेकिन बाहर कहीं जाना हो ना तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वेल ड्रेस होके जाऊं। वैसे भी चीज़ें लेके हमने रखी होती हैं तो वो यूज़ ही नहीं होती। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना ये मैंने शीन से लिया था और आपको दिखाया भी था, अभी ओवरऑल लुक भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो कम्फर्टेबल है, अच्छा ड्रेस है। और पिछली वीडियोज़ में जो ड्रेसेस मैंने पहने थे उसके बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो आपने कहाँ से लिए थे, तो वो भी मैंने शीन से ही लिए थे। अच्छा, हमने जहाँ जाना था ना वहाँ जाने के लिए देखें कितनी लंबी लाइंस हैं, और आधा घंटा हमें लाइंस में वेट करना पड़ा, और उसके बाद इवेंचुअली जाके हमें जो है ना एंट्री मिली थी। तो अभी मैं आपको भी अपने साथ अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ वो स्पेशल जगह क्या है। और उससे पहले जो है ना मैं आपको कुछ और स्पेशल दिखाती हूँ, आप वो क्लिप देखें और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, हम आपके लिए लेके आए हैं मेस्ट्रो सज्जी एंड बारबेक्यू, जोहर टाउन की फेमस मार्केट ए ब्लॉक में, जो अब फूड स्ट्रीट बन चुकी है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मोस्ट हाइजेनिक फूड। हमारी स्पेशलिटी है इसमें बलोची सज्जी एंड बारबेक्यू। जी हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं और इनका टेस्ट हमें बहुत पसंद है, स्पेशली सज्जी जो है ना, स्पेशली हम इसलिए इस्लामपुरा से आते हैं इधर। हम पहली बार जब आए हैं बहुत टेस्ट आया, अब फ्रीक्वेंटली आते हैं। सर्दियों के सीज़न में हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं बेल फिश और बोनलेस फिश। वी हैव अ स्पेशल फैमिली हॉल फॉर डाइनिंग। आइए और हमारा फूड एंजॉय कीजिए।
हमारे डाइनिंग हॉल में तकरीबात का इंतजाम भी किया जाता है, तो आज ही आइए और बुकिंग करवाइए। वेलकम बैक जी। अभी आपने जो क्लिप देखा है उसको देखने के बाद शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई पेड प्रमोशन था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेड प्रमोशन नहीं था, बल्कि यूँ समझें कि ये हमारे अपने घर का ही बिज़नेस है और यहाँ पे आपको ना सिर्फ टेस्टी और मज़े का फूड मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पे जाके ये फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो मीट आपको दिखाया जा रहा है वो किसी और चीज़ का है। यहाँ पे आपको हर चीज़ एक तो फ्रेश मिलेगी और प्राइसेस भी इनकी रिजनेबल हैं, तो आप अपनी फैमिलीज के साथ जाएं और ट्राई करें, फिर मुझे आपने बताना कि कैसा लगा आपको वहाँ का फूड। और जो लोग लाहौर में नहीं रहते वो जब भी लाहौर जाएं तो बेफिक्र होकर यहाँ पे जाके खाना खाएं। ये आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं हमारा स्टमक अपसेट ना हो जाए। आपको पता है पहले हम जब भी पाकिस्तान जाने की बात करते थे ना, तो हम यही सोचते थे कि बाहर का खाना ना हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब से ये रेस्टोरेंट बना है आप यकीन करें हम वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी से पाकिस्तान जाएं और यहाँ का खाना जो है ना खाएँ, क्योंकि बहुत अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है वीडियोज़ में और फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो जो लोग भी यहाँ पर जाते हैं वो लोग वापस ज़रूर आते हैं और फैमिलीज़ को भी बताते हैं अपनी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टार्ट किया इस रेस्टोरेंट ने। बाकी आप लोग जाएँ और फिर मुझे बताना कि आपको फ़ूड कैसा लगा यहाँ का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो क्रिसमस लाइट्स हैं ये हर साल यहाँ पार्क में जो है ना वो अच्छे से डेकोरेशन होती है और लोग जो है ना वो दूर दूर से यहाँ पे फिर आते हैं देखने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ बच्चों को स्पेशली दिखाने के लिए लाते हैं। तो हमारे बच्चे भी जो है ना वो यहाँ पे देख के इंजॉय कर रहे थे। और बहुत सालों से मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन ये जो लंबी लाइन्स होती थी ना बाहर वो देख के ही हम जो है ना फिर सोचते थे कि नहीं अभी नहीं जाना हमने, फिर कभी जाएंगे। तो इस बार हमने सोचा कि पहले ही जाके देख लेते, क्योंकि क्रिसमस के पास जो दिन होते हैं ना उन दिनों में तो फिर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि दो दो घंटे लाइंस में लगें। अच्छा, ये लाइट्स ना वीडियो में उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी रियल में देखने में लग रही थी, तो खैर जो भी आपके साथ शेयर करना तो बनता था। और बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा पाकिस्तान का क्या प्लान है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुछ ही महीनों में आ रहे हैं पाकिस्तान और आप सबसे मैं मिलूँगी। जिसने भी मुझे ईमेल्स किए हुई हैं, मैसेजेस किए हैं कि आपने जब भी पाकिस्तान आना है हमें बताना है, हम आपसे मिलेंगे आके, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबसे आके मिलूँ और अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जो जो लोग भी मुझसे कॉन्टैक्ट में हैं या कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं उन सबसे जाके मैं इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि इतने सालों के बाद हम जाएँगे तो अपनी सारी ख्वाहिशें सारे अरमान पूरे करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं आपको कोई फ़ाइनल डेट या फिर मंथ नहीं बता रही हूँ, और सच बताऊँ तो अभी हमने ख़ुद भी डेट्स फ़ाइनल नहीं की हैं, लेकिन जो भी प्लान हमने बनाया था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जैसे जैसे तैयारी होगी आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी वीडियोस में। मैं तो आजकल एक्चुअली एक लिस्ट बना रही हूँ कि पाकिस्तान जाके ना मैंने ये काम करने हैं, और मैंने पहले सोचा था कि इसी वीडियो में मैं आपको जो भी लिस्ट अभी तक बनी है वो शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दिखाऊँगी आपको जब कंप्लीट हो जाएगी वो लिस्ट। बल्कि आप लोग भी सजेशन देना। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब कर दें, और आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।